देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते कुछ खबरों की ओर। राजस्थान में चल रही मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत जो भी दिव्यांग स्कूटी लेना चाहते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप स्कूटी योजना से वंचित रह जाएंगे, अर्थात आपको स्कूटी की लाभ नहीं मिलेगा। इसी कड़ी में आज जयपुर में सर्वोदय विकलांग सेवा समिति एवं अखिल राजस्थान विकलांग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल में कैंप लगाया गया, जिसमें दिव्यांगों के लाइसेंस तैयार किए गए। 150 से अधिक दिव्यांगों ने इस शिविर में आकर के अपने लर्निंग लाइसेंस बनवाए। जब दिव्यांगों को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हो गए तो इसके माध्यम से वह स्कूटी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्कूटी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस नेक काम के अंदर कार्यक्रम जो सर्वोदय विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष है अभय तिवारी एवं जो इनकी टीम थी सईद तिरंगा, लक्ष्मी नारायण सैनी, हेमंत महावर, सुनील महावर, नरेंद्र महेश साहू इत्यादि दिव्यांग भाइयों ने बड़ा सहयोग किया। इसके बाद आरटीओ ऑफिस झलाना डूंगरी दिव्यांग भाइयों को ले जाकर के ये जाएंगे, जहां पर इनका परमानेंट लाइसेंस बनेगा। साथियों आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत अगर आपने अभी तक भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो ई मित्र के माध्यम से आप भी अप्लाई करें। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले अपने आरटीओ ऑफिस में जाकर के लर्निंग लाइसेंस के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जयपुर से देखते रहिए दिव्यांग जगत की ये खास रिपोर्ट। दिव्यांगों को जब लर्निंग लाइसेंस मिल गए तो दिव्यांगों के चेहरे पर एक खुशी थी और उन्होंने सभी आयोजकों को धन्यवाद दिया, क्योंकि एक ही छत के नीचे 150 दिव्यांगों के लाइसेंस बनना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।